अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एकदम ठीक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो भाई वही बात है, आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। ये बंदी बोल रही है कि काम पे तो लगना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए काम तो करना ही पड़ेगा। फिर से वही अजीब गरीब सी चीज़ें दिखाना, देखो फ्लावर सूख गए हैं, पेड़ पौधे सूख गए हैं, अब ये ठंडियों के थे, अब गर्मियों के लाने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं। अबे जाहिल औरत, तेरे को तो मैंने वही टाइम बोली थी जब तू बता रही थी और बोल रही थी ना, ये पूरे साल चलेंगे, पूरे साल चलेंगे, चलते हैं, बस फ्लावर नहीं आते हैं, उनको संभाल के रखना पड़ता है, पूरा साल चलते हैं। लोग हर साल नहीं लेके आते हैं न्यू न्यू, बस सर्दियों के जो फ्लावर रहते हैं ना, वो आना बंद हो जाते हैं सर्दियों में। और जो मतलब पेड़ होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनको हम केयर करके बचा के रख सकते हैं आने वाले साल के लिए, लेकिन तुझे तो अपने बच्चे तक के जो तूने पैदा किए ना, उनको संभालना नहीं आता है, उनको तू संभालती नहीं है, उनको नहीं संभाल पाती है, तो तू पेड़ पौधे क्या ही संभालेंगी? जाहिल औरत बोल रही है ये सब सूख गए, अब न्यू लेकर आएंगे। हाँ भाई, तेरे पास में पैसा है अयाशियाँ करने के लिए, तो तू न्यू लेके आएंगी तो कौन सी बड़ी बात है? अगर सही से ये सब चीज़ों की केयर करती ना, तो ये पेड़ पौधों में भी जान होती है, ये नहीं मरते, ठीक है। लेकिन तुझे क्या भाई, तुझे तो कोई चीज़ से लेना देना नहीं है। इसी तरह से ये जो पेड़ तेरे, पौधे जो तेरे हुए ना, यही हालत तेरे बच्चों की होती अगर घोंचू ना होता तेरी ज़िंदगी में। समझ आई? आई बड़ी। ये सर्दियों के है, अब सूख गए, अब गर्मियों के लाएंगे, फिर गर्मियों के सर्दियों में मरवा देना पेड़ पौधों को, फिर बोलना आप अगले साल लाएंगे, सर्दियों के लाएंगे गर्मियों, बस यही करते रहे तू, बेशरम घटिया औरत। ये जो भी इसके पौधे वगैरह सूखे हैं ना, ये दिख रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि इनको पानी वगैरह नहीं दिया गया है ना, उसके वजह से वो मर गए हैं, ना कि सर्दियाँ जाने की वजह से ये हालत हुई है उनकी। ये जो 3 दिन तलक के फार्म हाउस में रुकी है, फिर बाद में ये वो जो अम्मू बोली अम्मा आई थी, उसको ले लेके घूम रही थी, साथ में इसके रमज़ान भी घूम रहा था अनीता, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिए, तो ये सारी हालत हुई है। बोलना तेरे काम चोरी पने की वजह से हुआ है पिटारा ये सब। आई बड़ी सर्दियाँ और गर्मियाँ करने वाली, और बेशरम झूले में बैठ के बोल रही है कि जो कुछ भी चल रहा हो, जो भी हो, अपने काम पर जाना है, निकलना है, मूड ठीक करना है, तबीयत अच्छी करना है। हाँ भाई, इसीलिए तो बोल रही हूँ ना कि आग लगे बस्ती में, तू अपनी मस्ती में, कोई मरे खपे रोए धोए कुछ भी होए, लेकिन तुझे तेरा काम करना है, तुझे पैसे कमाने हैं। इसीलिए तो उनको सिला मिल रहा है ना, तुझे सपोर्ट करने का, बहुत अच्छा सिला दिए तूने। तू झूला झूल रही है और वहाँ पे वो लड़ रहे हैं, रोना धोना कर रहे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लोग उनको कमेंट में भर भर के गालियाँ दे रहे हैं कि तूने बोली है, तूने बोली है, तूने धोखा दी, तूने ये की, हर कोई एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, और तुझे झूला झूलते झूलते अपने काम पे लगना है। कितनी सेल्फिश औरत है, कितनी गिरी हुई औरत है पिटारा तू। तू तो वो टाइम पे भी काम काम ही कर रही थी, जो टाइम पे लोग आके तेरे बच्चों के ऊपर दावा कर रहे थे कि ये मेरा है वो मेरा है, जो टाइम पे लोग आके बता रहे थे कि मैं होटल में आया हुआ था, तू वहाँ पे तीन रातों तलक के गई थी, वो टाइम पे भी तुझे तो व्लॉगिंग करनी थी, तुझे तेरा काम करना था। तू इतनी ज़्यादा सेल्फिश और बेशरम औरत है, तू वो टाइम पे नहीं रुकी तो तू अब क्या रुकेंगी? तू सिर्फ और सिर्फ खुद का सोचती है। और मोटी कह रही है मैंने खाने पे कंट्रोल किया हुआ है, 2 खजूर ले लिया है। पूरा दिन जो ठूसती रहती है, वीडियो के शुरुआत में बोल रही है मैंने खाने पे है ना कंट्रोल किया हुआ है। भाई तूने क्यों कंट्रोल किया हुआ है? तेरे बच्चे वैसे ही सुकंडे जो पहले दिन वीडियो में थे, आज भी उनकी हालत वही है। एक तू है जो दिन ब दिन बस मोटी ताजी तगड़ी होती जा रही है, और एक ही डायलॉग मैंने खाने पे कंट्रोल किया है, खाने पे कंट्रोल किया है, हालांकि पूरा दिन ठूसती है। आप लोग खुद देखते हो, बैक टू बैक इसका चबड़ चबड़ चालू रहता है, फिर बोलती है मैंने खाने पे कंट्रोल किया है। अब ये किसको कॉपी करती है? ये सभा को कॉपी करती है, बार बार ये बोल के शुरू के वीडियो के शुरू में बोल रही है मैंने खाने पे कंट्रोल किया है, और वीडियो के एंड के पार्ट में बोल रही है कि अब कोई चीज़ मेरे सामने आ जाएंगी तो कि मैं कंट्रोल ही करती रहूँ, मैं खाऊँ नहीं। जब इसने गिफ्ट वगैरह खोली और इतने सारे उसमें बिस्किट थे, उठा उठा के ठूसने लगी, तो गोचू ने बोला तुम डाइटिंग पे हो, तो बोल रही है बस मैं डाइटिंग ही करते रहूँ, मैं नहीं खाऊँ। हाँ मोटी, तू पहले खा, तू ठूस, तू खा खा के फट जा, हराम का खाने मिलता है ना तो ऐसे ही फटता है, हराम हड्डियाँ जो रहती है ना वो ऐसे ही फटती है, तो तू फट खा खा के, तो झूठ मत बोला कर के तूने खाने पे कंट्रोल किया हुआ है। और भाई इसके ड्रीम के तो क्या ही कहने हैं, जब से ये वाईटी पे आई है तब से इसका ड्रीम 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 चल ही रहा है।
कभी कहती है कि मेरा ड्रीम था कि हमारी छत वाला घर हो, कभी कहती है मेरा ड्रीम था कि हमारे 3 कमरे वाला घर हो, कभी कहती है मेरा ड्रीम था कि बाहर जैसे गार्डन वगैरह होता है वैसा घर हो, कभी कहती है मेरा ड्रीम था कि पार्किंग वाला घर हो। मतलब इसके ड्रीम ही नहीं ख़त्म हो रहे भाई, जब से ये YT पे आई है इसके ड्रीम पे ड्रीम ड्रीम पे ड्रीम चालू ही है और लोगों को बेवकूफ़ बनाते ही जा रही है। अब बोल रही है कि मैं चाहती थी कि मेरा ड्रीम वाला घर हो, मेरा बच्चा और मेरा हस्बैंड पीछे पड़ा हुआ है जो बना बनाया है वही ले लो, उसके ऊपर पैसा खर्चा करके अपने हिसाब से कर लो। और खैर खैर जो ड्रीम है वो तो मैं बनाऊंगी ही बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल में हम है ना एक अच्छा सा घर देख लेते हैं। तो पिटारा ने ये तो नहीं बोली कि मैं रेंट का ले रही हूँ, हाँ बल्कि उसने ये जताई कि मैं खुद का ले रही हूँ। अच्छा इसने ये भी बोली कि जो हमने प्लॉट लिए है तकरीबन उसको 6 महीना हो गया है। अच्छा इसको इस्लामाबाद आके 8 महीने हुए है, ये 8 सितंबर को इस्लामाबाद के लिए सफ़र की थी ट्रेन में, 9 सितंबर 10 सितंबर तलक के ये इधर पे शिफ्ट हुई है इस्लामाबाद में। अब आप लोग खुद बताओ कि 8 महीने में ये औरत ने कितना खर्चा किए। एक तो वो 11 से लेके 15 करोड़ तलक का वो जो प्लॉट लिए जहाँ पे ये ड्रीम हाउस बनाना चाहती है, ये वाला घर जब ये लेने के लिए जब ये इस्लामाबाद आने लगी थी, इससे पहले इसने बोली थी कि यहाँ पे हम रेंट पे रहने वाले हैं, फिर यहाँ पे आने के बाद में थोड़े दिन के बाद में इसने बोल दी कि ये हमारे खुद का घर है, हम जैसे चाहिए वैसे ये कर सकती हूँ वो कर सकती हूँ, पेड़ लगा सकती हूँ पौधे लगा सकती हूँ, क्योंकि अब हमें यहीं पे रहना है, ये हमारा ठिकाना है, ये मेरा खुद का घर है। इसने और गोंचू ने मिल के ये बात को प्रूफ की है कि ये इनके खुद का घर है। तो वहाँ पर भी ऑडियंस को इसने बेवकूफ़ बनाई है बोल के कि हम रेंट का लेंगे, हम रेंट पर रहने वाले हैं, फिर पता चला ये इसके खुद का घर है। फिर ये अम्मा को लेके गई थी, याद होगा आप लोगों को, इसने एक रात के टाइम पे ले जाके प्लॉट दिखाई थी कि ये मैंने ख़रीद ली हूँ, यहाँ पे मैं घोड़े गधे सुअर रखूँगी, वो प्लॉट भी इसने ली। और गाड़ियों का तो आप लोगों को पता ही है कि इसने यहाँ पे आने के बाद में तकरीबन 3 गाड़ी ये ख़रीद चुकी है। उसके बाद में फिर इसने अभी बीच में ये जो कराची गई थी वहाँ पर भी इसने एक प्रॉपर्टी और ली है, और ये गांव गई थी जब इसकी शादी में फातिमा की शादी में तब इसने वहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी ली है। और खर्चे तो इसके आप लोगों को पता ही है, कभी ट्रेडमिल लेकर आना तो कभी कहाँ घूमने जाना, कभी फार्म हाउस बुक कराना तो कभी क्या तो कभी क्या, डेली के जो इसके लाखों के खर्चे वो अलग से है, बेवजह का जो गाड़ी में बैठ बैठ के ज़बरदस्ती का घूम घूम के डीजल पेट्रोल जलाना वो खर्चे अलग से है, खाना इसके घर में डेली पकता नहीं है जब से अम्मा गई है वो खर्चे अलग से है। तो आप लोग खुद सोचो कि इतने पैसे इसको कहाँ से आ रहे, चैनल से इतने पैसे नहीं आते हैं कि 8 महीने में आपने मतलब के क्या ही बोलूं कितने करोड़ बोलूं कि इसने इतने करोड़ों की इसने प्रॉपर्टी ले ली सिर्फ 8 महीने में। कहाँ तो ये 2 साल तलक के रोती रही है कि मेरे खुद का घर नहीं है, मेरे खुद का घर नहीं है, मेरे खुद का घर नहीं है, 2 साल तलक के रोती रही, और 8 महीने में इसके पास में इतने पैसे आ गए कि इसने बैक टू बैक प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी लेती गई है। जबकि पाकिस्तान के हालात जिस तरह से है, मेरी भी पाकिस्तान की दोस्त है, वो लोग बताते हैं कि खाने की चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी है कि पाव किलो आधा किलो ख़रीदना पड़ता है, सोचना पड़ता है लेने के लिए, लेकिन ये जिस तरह से प्रॉपर्टियां ख़रीद रही है तो समझ नहीं आता है कि ये वो लोग झूठ बोल रहे हैं या पिटारा झूठ बता रही है। सोचो जब खाने पीने का, जब ये प्याज लहसुन इतना महंगा है, नींबू इतना महंगा है, तो प्रॉपर्टी कितनी महंगी होगी। 8 महीने में इसने बल्कि 8 से ज़्यादा प्रॉपर्टी ख़रीद ली है, कहाँ से आ रहे इसके पास पैसे, और ड्रीम ड्रीम करके ये जो लोगों को बेवकूफ़ बना रही है तो लोग इसकी बातों में कैसे आ रहे हैं ये मुझे नहीं समझ आ रही। तो आप लोगों को पता ही है कि ये कितनी बड़ी नाफरमान औरत है, ये कोई भी चीज़ में अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करती है। ये बोल रही है कि जो घर में ये रह रही है ना वो घर के अंदर है ना, इसको चीज़ें कभी यहाँ सेट करनी पड़ती है कभी वहाँ सेट करनी पड़ती है, मतलब कि ये कोई भी घर में खुश नहीं रहती है, ये कोई भी चीज़ में खुश नहीं रहती है। थोड़े दिन रहती है फिर बाद में बोल देती है कि बस अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम है तो हम ये घर छोड़ रहे हैं। जितना इसने 2 साल में घर चेंज किए उसकी फितरत बताती है कि उसी तरह से ना ये अपनी ज़िंदगी में आदमियों को भी चेंज करती है। पता है आप लोगों को कौन औरत होगी जो 2-2.5 साल में इतने सारे घर चेंज करेंगी। 2 साल में ये औरत 5वां या 6ठा घर चेंज कर रही है, 6ठे घर में ये जा रही है या 5वें में जा रही है, देख लो।
क्योंकि भाई अगर 2 साल में आप लोग 5 घर भी पकड़ लो तो 8-9 महीना 8-9 महीना ये हर घर में रहती है और फिर उसको चेंज कर लेती है। खाली ये जो घर अभी कराची में छोड़ के आई है बस उसमें ये 1 साल रही होंगी, 1 साल से भी थोड़ा कम ही था और इतने वो घर खाली कर दी। और इसको हर घर में कुछ ना कुछ तकलीफ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, उसमें से ये बुराइयाँ निकालती है, बुराइयाँ करती है और फिर अगले घर में जाती है। भाई इसका खुद का बंगला है जो हीरा ने दिखाई थी, जाके उधर रहे ना। हाँ इतना बड़ा बंगला है, उसमें नहीं रह के ये घर पे घर लेती है और बहाने करते रहती है। यहाँ पे छोटा है, वहाँ कबाट छोटी है, यहाँ पे पार्किंग नहीं है, वहाँ पे गार्डन नहीं है, वहाँ पे ये नहीं है वो नहीं है। अब जो घर में ये रह रही है वो घर छोटा है, आप लोग खुद बोलो पाकिस्तान के हिसाब से वो घर छोटा है, लेकिन इसको इसमें भी कीड़े निकाल ली इसने, कि इसमें भी बुराइयां निकाल ली इसने। घर पे घर, घर पे घर खरीदते जा रही है और फिर बोलती है कि ये बहुत दुखी है, इसके साथ में ज़िंदगी ने बहुत बुरा किया है। ठीक है, दुनिया की सबसे दुखी औरत यही है। स्कूल इसको देखो, बच्चों का नाम लेके ले ले लेके इतने सिंपत्ति ली थी, अब बताओ ये जो घर आए दिन ये चेंज करती है, बच्चों की स्कूल का पढ़ाई का कितना नुकसान होता है। लेकिन इसको कोई लेना देना नहीं है उन सब बातों से, क्योंकि इसकी ना इसको ना इसकी अय्याशियाँ देखनी होती है। इसको हर वो जो औरतें मालूम है ना गंदा काम करती है, तो वो एक जगह पे कभी भी नहीं टिक सकती है ना। वो लोग कभी अपना अड्डा इधर बनाते हैं, कभी उधर कभी उधर, क्योंकि वो जब गंदा काम कर रही है तो वो एक जगह कैसे रह सकती है। तो इससे साबित होता है कि पिटारा के घर में ना गंदा काम होता है, ये करती है, तभी तो ये कोई एक घर में नहीं रहती ना। अब ये जो घर देख रही है ना, इसमें भी इसने वैसे तो कीड़ा निकाल ही ली देखने के बाद में, कि छोटे है बेडरूम, बहुत छोटे है रूम, बहुत छोटे है, बाहर से तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गार्डन है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन रूम बहुत छोटे है। तो अब ये घर देख रही है, बहुत जल्दी ये कहीं और शिफ्ट हो जाएंगी, फिर वहाँ जाने के बाद बोलेंगी अब मैं जो प्लॉट ली थी ना वहाँ पे मैं ड्रीम हाउस बनाऊंगी। फिर ये ड्रीम हाउस का बोलते 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 जब तक के तो ये 4-5 घर और बदली कर ही चुकी रहेंगी, देख लेना आप लोग। मतलब के अरे भाई तुझे अगर जाना है अगले घर में, तुझ घटिया औरत को भटकने की आदत है तो सीधे से भटक। तू बुराइयाँ क्यों निकालती है, अल्लाह तुझे इतना दे रहा है, तू हर एक चीज़ में बुराइयाँ निकालती है। लोगों का खाने के वांदे है, लोगों के बच्चों की पढ़ाई के वांदे है, ठीक है, लोग कैसे कैसे ज़िंदगी निकाल रहे हैं, लेकिन इसको इसको ड्रीम हाउस बनाना है। देख लो भाई, मतलब कि ये बंदी का आप लोग ड्रीम पूरा करो, ड्रीम हाउस। मेरे को तो लगता है इसका ड्रीम हाउस है ना कब्र में ही बनेगा, तब जाके इसको सुकून आएगा। मुस्तफ़ा के बेडरूम को लेके इतने दिन से ड्रामे कर रही थी घर बदली करने के लिए, कभी अपनी बिल्ली को लेके ड्रामे कर रही थी कि पड़ोसन चिल्लाती है तुम्हारी बिल्ली आती है तो हमें घर चेंज करना पड़ेगा, और अब बोल रही है कि जमता नहीं है, मतलब कि यहाँ वहाँ चीज़ें ना सेट करनी पड़ती है। इतना बड़ा घर हो के ये क्या बुराइयाँ निकाल रही है कि चीज़ें सेट करनी पड़ती है। वो बोलते हैं ना नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, जब तुझे आता ही नहीं है घर को रखना तो तू तो इसी तरह से बातें करेंगी ना। इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा टेरिस है, टेरिस पे भी एक रूम है, नीचे इतना बड़ा है, नीचे भी दो दो तीन तीन मतलब 2 रूम है, नीचे रूम है, फिर इतना बड़ा किचन है, पीछे इतनी बड़ी बैल्कनी है। आप लोगों को लगता है कि इतना इसका सामान, इतने कपड़े है कि सेट नहीं हो रहा होगा, तो ये सब बहाने हैं पिटारा, भटकती आत्मा। तेरे को भटकने की आदत है ना, गली गली फिरने की आदत। मैंने आप लोगों को वो कहानी बताई थी ना फ़कीर वाली, जिसको 10 कटोरे में से खाने की आदत रहती है, तो उसको अगर राजा ने बिठा के खिलाया ना तो वो दुबली पतली होके मरने जैसी हो गई थी। बस वो कहानी ना इसके ऊपर लागू होती है। अच्छा ये जो मदर डे का इन लोगों ने जो भी ड्रामा किए, आप लोगों को समझ में आया कि कितने अच्छे से स्क्रिप्ट लिखे गई, प्लानिंग प्लॉटिंग की गई, ये सारा एक ड्रामा क्रिएट करने के लिए। फिर ये लिख के बता रही है कि मुस्तफ़ा ने ना मेरा दूसरा फ़ोन लेके गया था। अच्छा आप लोग इसके वीडियो नहीं देखते हैं तो मैं बता देती हूँ, मुस्तफ़ा गोंचू के साथ में मार्केट गया, वहाँ से फ्लावर ये वो सब कुछ लेकर आया, और पिटारा वो वीडियो बना के ये सारा कुछ किया। फिर बाद में पिटारा ने जब वीडियो बनाई तो उसने वहाँ पे कैप्शन डाल दी कि मुस्तफ़ा ने ना मेरा दूसरा फ़ोन लेके गया था। अच्छा तुझे ये क्लियर क्यों करना पड़ा पिटारा, ये जताने के लिए कि तुझे सारा कुछ पता था, ये बात हम करेंगे, इसके लिए तूने कैप्शन डाला कि मुस्तफ़ा ने दूसरा फ़ोन लेके गया था, तुझे तो पता ही नहीं था, उन लोगों ने तुझे सरप्राइज़ दिए। अरे पिटारा तू क्या समझती है, बेवकूफ़ समझती है। हम लोगों को तो लगा कि उसने गोंचू के मोबाइल से वीडियो शूट कर लिया,
लेकिन ये जो तेरा कैप्शन था ना, इससे पता चल गया कि ये सारा प्री प्लान तुम लोगों का ड्रामा था। और कितना अच्छे से मतलब सारी तैयारियां किए ना, जाहिल की तरह रूम सजा के। खैर आप लोगों ने वो वाला अगर क्लिप नहीं देखा है तो अब मैं डाल दूंगी FB पे वो वीडियो, तो आप लोग देखना जाके कि वहाँ पे जब केक काटा जा रहा था तो साइड में अनीता भी खड़ी हुई थी, मेरे ख्याल से तो माँ वो भी है ना। अगर वो भी ज़रा सी केक काटने के लिए हाथ लगा देती तो इन लोगों की इज्जत कम नहीं हो जाती। लेकिन वो औरत साइड में खड़े रह के ताली बजा रही थी, जो कि देख के बहुत बुरा लगा कि क्या ये अगर तुम लोग ये चोचले कर रहे हो तो क्या ये चोचले के अंदर थोड़ा सी उसको भी दे देते करने के लिए, तो तुम लोगों की जो शान है उसमें कोई कमी आ जाती। मतलब इसकी कितनी छोटी सोच है, कितनी गिरी हुई औरत है, यहीं से पता चलता है कि अनीता के लिए कोई चीज़ इन लोगों ने ऐसे नहीं की है। अनीता के लिए अगर दोनों मिलके, एक अवसर और ये मिलके केक काट रहे थे, अनीता साइड में खड़े रह के ताली बजा रही थी, अनीता के साथ में ये बिहेव देख के ना बहुत बुरा लगा। पता चलता है कि पिटारा की सोच कितनी गिरी हुई और छोटी है। बाद में यहाँ पे ये देखने के लिए मिला कि इसके बच्चों ने फ्लावर गिफ्ट वगैरह लेके आए थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ पिटारा को दे रहे थे और कौसर साइड में खड़ी हुई थी। तो यहाँ से पता चलता है कि कौसर गोंचू की वाइफ कहीं से भी इन लोग नहीं मानते हैं। कौसर को ना बच्चे माँ मानते हैं, ना पिटारा उसको सौतन मानती है। उन लोग समझते हैं कि कौसर का कोई लेना देना ही नहीं है इनकी ज़िंदगी में, कौसर इनके लिए कोई वर्थ नहीं रखती है। कौसर मुंह देख रही थी और इनके बच्चे अपनी माँ को गिफ्ट दिए जा रहे थे। तो जब कौसर के नाम से इतना कमाती है और कौसर सच में गोंचू की वाइफ है और वो इसकी सौतन है, वो जो पहले से बच्चे पैदा करके पिटारा ने रखी है उनकी सौतेली माँ है, तो इनके दिमाग में कैसे नहीं आया कि कौसर के लिए भी गिफ्ट लिया जाए, ये बात नहीं समझ में आई। अच्छा बाद में इन लोगों ने क्या किए, गेम यहाँ पे इन लोगों ने क्या किए है कि इन लोगों ने ना खाली बैग है ना कौसर को पिटारा ने देने लगाई, जिसके अंदर इन लोगों ने पिटारा के लिए घड़ी वगैरह ये सब चॉकलेट वगैरह लेकर आए थे ना, वो खाली थैली इसने कैमरे के सामने दिखा के कौसर के हाथ में देने लगाई कि नहीं, कौसर को भी दो ना, कौसर को भी दो। मतलब कि उन लोगों ने जब कुछ लाए नहीं थे तो खाली थैली क्यों दे रहे, अगर लाए होते तो वही टाइम पे उन लोग दोनों को दे देते। लेकिन जब कैमरे के सामने ये थैली देने लगा रही है तो तुझे क्या लगता है पिटारा के ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ है, इनको नहीं समझ आ रहा है कि तू बिना कुछ सामान डाले खाली थैली उसके शॉपर उसके हाथ में देने लगा रही है, ताकि ऑडियंस को ये लगे कि देखो कितनी अच्छी है ना कि अपनी सौतन को भी बच्चों को गिफ्ट देने लगाई। लख दी लानत है पिटारा तेरे ऊपर। आप लोगों को एक चीज़ और याद दिला दूं कि जितने भी गिफ्ट आए थे कौसर के लिए, लोगों ने मीटअप पे कपड़े दिए, पता नहीं बच्चा हुआ तब कपड़े दिए, बहुत टाइम मतलब ऐसे देखने को मिला कि ये कौसर का कपड़ा है, ये कौसर का कपड़ा है। लेकिन पिटारा का आपको आदत पता है कि वो एक तीली भी अगर कौसर को देती है ना तो वो कैमरे में दिखाती है, तो इसने कोई भी कपड़ा कौसर को नहीं दी, सारे के सारे खुद ही रख ली। सोचो कितनी घटिया औरत है ना। वो वॉकर जो बच्चे के लिए, कौसर के बच्चे के लिए आया, यही वीडियो में इसने दिखाई, और फिर बाद में वो वॉकर के अंदर इसकी छोटी वाली बेटी सो रही थी। मतलब वो वॉकर भी इसको कौसर को नहीं देना है। सोचो कितने छोटे दिल की और कितनी गिरी हुई औरत है। और पिटारा एंड में क्या डायलॉग मार रही थी कि बहुत अच्छा लगता है जब हमारी औलाद हमारे लिए कुछ करती है, हम तो औलाद के लिए करते ही है लेकिन जब औलाद करती है ना तो दिल खुश हो जाता है, तो काश तू भी तेरी माँ के लिए कुछ करती। उसको जलील करने के अलावा तूने अपनी माँ के लिए की क्या है? तेरे नाम के आगे जेड लगा हुआ है, तेरे नाम के पीछे तेरे बाप का नाम लगा हुआ है, ये की तूने तेरे माँ बाप के लिए? हाँ, मदर डे पे तुझे तेरी माँ की याद नहीं आई? ऐसे तो तू कभी माँ को याद नहीं करती है। वो टाइम पे भी जब ये सऊदी में थी तभी इसने बोली अम्मी के लिए ना अलग से पार्टी रखूँगी, आज तक के वो पार्टी नहीं हुई। पिछले साल भी देख लो इसको कोई मदर डे नहीं याद आया, इस साल इसको मतलब के कोई कंटेंट नहीं है, तो चलो भाई मदर डे मना लेते। वैसे पिटारा एक बात बताना कि शबे बारात शबे महराज ये सब कैसे मनाई थी तूने? बड़ी रात, जुम्मा की नमाज, ईद मिलादुन्नबी, वो सब तूने कैसे मनाई थी? वो तो तूने वीडियो में नहीं दिखाई। मदर डे तूने फौरन दिखा दी, होली तू फौरन लगा देती है, दिवाली की शुभकामनाएं तू फौरन दे देती है, जब इस्लामिक त्यौहार आते हैं तो तू बैठ के रिएक्शन दे देती है ताकि तुझे वो त्योहारों की कोई
दिखाना ना पड़े, क्योंकि तू मनाती ही नहीं है तो दिखाएंगी कहाँ से। यहीं से पता चलता है कि तू कितनी गिरी हुई और घटिया सोच वाली औरत है, और तू कितनी गिरी हुई औरत है। और यही कौसर थी ना जिसने बड़ा जुलूम किया था, उसके बच्चे को लेना, उसके लिए टाइटल लगाना, माँ सदके ऐसे कर कर के लाड़ दिखाना। तो पता चल गया अब के कितना दुखी है वो कौसर से। अरे किसको बेवकूफ़ बना रही है पिटारा, अब तो तेरी सारी पोल पट्टियाँ भी खुल गई। ठीक है कि कोई दुखी उखी नहीं है, वो तेरा कंटेंट है, उससे तू पैसा कमाती है। कि आप लोगों को पता ही है कोई काम वाम तो ये करती नहीं है, कोई कंटेंट होता नहीं है तो गिफ्ट खोलने बैठ जाएंगी। गिफ्ट किसका था? मुस्तफ़ा का, उसको दे देती, बच्चे खोल लेते। वीडियो बनाने के लिए इतने दिन से गिफ्ट रखी हुई थी, पता नहीं दूध का, मावे की, क्या क्या मिठाई थी क्या नहीं थी, इतने दिन से वो चीज़ें खोली नहीं। घर में मेहमान रहते हैं वही टाइम पर खोलते हैं ताकि मेहमान भी खा ले, ख़त्म भी हो जाए, लेकिन ये मेहमानों के जाने का वेट करती है, उसके बाद खोलती है ताकि ये अकेले ठूस सके। और वो मावे वाली मिठाइयाँ जो होती है वो सारी चीज़ें ये इतने दिन के बाद खाती है ख़राब कर कर के। बहुत ज़्यादा छोटे दिल की और घटिया औरत है ये। तो बस ये गिफ्ट वाला लेके बैठ गई, जबकि गिफ्ट मुस्तफ़ा का था, दे देती, लेकिन नहीं भाई नहीं, हर चीज़ में कंटेंट बनाना है, क्योंकि कंटेंट की भूखी के पास में कंटेंट ही तो नहीं होता ना। तो चले इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।